subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान में जो चीजें रटने वाली हैं वो चीजें हम लोग समझ समझ कर याद करेंगे। ठीक, कल तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो भारत में शासन की शुरुआत हुई वो किस प्रकार हुई। अभी हम लोग कंपनी का शासन पढ़ रहे हैं। कंपनी के शासन पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्राउन का शासन पढ़ेंगे। तो जो ये स्टेप है लगातार हम एक एक कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो पॉलिटी में आपको कोई भी ऐसा मतलब प्रश्न नहीं रहेगा जिसका आंसर आप ना बता पाए। ठीक, तो थोड़ा सा हम पिछले वीडियो पर चर्चा करेंगे। जो हमारा अंग्रेजों के भारत में पैर जमाने का जो पहला सिलसिला था वो हमारा प्लासी के युद्ध से था। प्लासी के युद्ध में जब रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है तब जो है अंग्रेजों के पैर मजबूत हो जाते हैं। उसी के बाद बक्सर के युद्ध में जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसमें क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम एक तरफ थे, एक तरफ अंग्रेज की सेना थी। उसमें शायद हमने पिछले वीडियो में उसमें शायद हमने बता दिया है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इसका नेतृत्व, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक, तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया अंग्रेजों की तरफ से, तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। उसी के बाद हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो है जो कंपनी थी, कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार दिया गया व्यापार करने के लिए, मतलब जिसको लाइसेंस बोलते हैं कि 20 साल तक कंपनी शासन करेगी, उसके बाद फिर जाके अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाएगी, फिर 20 साल शासन करेगी, फिर रिन्यूअल करवाएगी। तो यही क्रम चलेगा, कब तक चलेगा, 1857 की क्रांति तक चलेगा। तो जो हम लोगों का आज अगला रहेगा वो रहेगा हमारा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। हमने कहा कि 20 वर्ष के बाद लाइसेंस का जो है पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, उसका जो है रिन्यू करवाया जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे सर 1773 वाला बताए, 73 के बाद 84 है तो लमसम 10 साल हुआ, 11 साल हुआ। तो मैं बता दूं आपको कि हमने कल जो है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना हमने कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा हिम्पे थे और वारेन हॉस्टिंग जो है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वारेन हॉस्टिंग जो है सर एलिजा हिम्पे के साथ मिल करके लोगों को परेशान करता था। तो जब इसकी सूचना जो है वह महारानी के पास पहुंचती है तो इसीलिए एक अधिनियम भेजा जाता है जो कि पिट्स इंडिया अधिनियम था 1784 ईस्वी में। उसमें क्या बताया जाता है, उसमें जो है एक 6 सदस्यीय 6 व्यक्तियों को भेजा जाता है एक सदस्य के रूप में। देखिए तो क्या बताए हम कि 6 सदस्यों को भेजा जाता है नियंत्रक बोर्ड की स्थापना होती है। क्या 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक, तो चूंकि हमने बताया कि 1773 के बाद 20 देश जोड़ते जाएंगे हमको मिल जाएगा, ये बीच में क्यों आया, क्योंकि जो है वारेन हॉस्टिंग जो था वो लोगों पर अन्याय करता था, तो इसीलिए क्या हुआ कि एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई, एक नियंत्रक
बोर्ड की स्थापना हुई और जो नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्यों की एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना होती है और इसमें देखिए किया क्या जाता है, जो कंपनी को, कंपनी का जो व्यापार है और जो प्रशासन है दोनों को अलग कर दिए जाते हैं। मतलब कि व्यापार में ना तो कंपनी का कोई हस्तक्षेप रहेगा और ना तो कंपनी में व्यापार का कोई हस्तक्षेप रहेगा, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा जाता है। भाई चूंकि हमने जब पार्ट 1 बताया था तो उसमें बताया था कि संविधान के 3 मुख्य लोग हैं, पहली चीज तो आपकी कार्यपालिका है, दूसरी चीज आपकी विधायिका है, तीसरी चीज आपकी जो है न्यायपालिका है। तो अगर ये तीनों लोग अलग अलग रह करके स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं तभी जो है एक अच्छे संविधान का निर्माण हो पाएगा, एक अच्छा कानून लोगों तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आया, इसमें क्या काम हुआ, पहली चीज तो एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई जिसमें 6 सदस्य थे। दूसरा काम होगा कि कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया गया, कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया गया, ठीक। इसके बाद जो तीसरा काम होता है, तीसरा काम हमने बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। मतलब कि चूंकि हिटन को क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनके साथ मिल करके लोगों के साथ अन्याय करता था, जबकि काम क्या है, न्यायालय का काम है कि ये लोगों की निष्पक्ष, कोई भी कानून अगर बनता है तो उसकी निष्पक्ष जांच करे, लोगों को निष्पक्ष न्याय दे, यही काम है न्यायपालिका का। लेकिन अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिल जाएगी तो जो कार्यपालिका कहेगी वही न्यायपालिका करेगी। तो इसीलिए जो अगला काम होता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाता है, ठीक। ये काम होता है, ये तीन काम किसमें होता है, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम। इसी के बाद इतिहास का एक महत्वपूर्ण काम होता है, वो क्या होता है, 1785 में वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है और ये पहला गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया तो वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक। तो आगे लिखेंगे हम क्या, 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया जाता है और यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया वह वारेन हेस्टिंग था और इसको लगाया किसने था, तो एडमंड, ठीक, लिख लीजिए, इसको लगाया था किसने, एडमंड बर्क द्वारा। तो महाभियोग किसने लगाया था, एडमंड बर्क द्वारा लगाया गया था, ठीक। तो ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। इसमें 3 काम होता है, पहला काम होता है नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की जाती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, दूसरा काम होता है कि जो कंपनी का व्यापार है और कंपनी का प्रशासन है दोनों अलग किया जाता है, तीसरा काम होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाता है,
ठीक, और वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद चूंकि मैंने बताया था 20-20 वर्ष बाद रिन्यूअल होगा, तो 1773 के बाद 20 जोड़ेंगे तो 1793 आ जाएगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे 1793 का राजलेख अधिनियम। तो क्या है देखते हैं, 1793 का राजलेख अधिनियम। का जो राजलेख अधिनियम था, हमने कहा कि 20-20 वर्ष के लिए रिन्यूअल करवाया जाता है। तो 1793 के अधिनियम में भी कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक, पहला काम होता है कि कंपनी के जो व्यापार था, कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद दूसरा काम होता है कि जो अधिकारी थे हमारे, अभी तक इनके वेतन जो है बाहर से आते थे, मतलब इंग्लैंड से आता था। अब जो है सभी अधिकारियों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारत से दिया जाएगा। ठीक, मतलब कि यहां के अधिकारियों को यहीं से वेतन दिया जाएगा, वहां से वेतन इन लोगों के लिए नहीं आएगा। ठीक, और भारत से दिया जाएगा तो भारत से कहां दिया जाए, कहां से दिया जाएगा, भारत में वो पैसा कहां आएगा, तो भारत में वो पैसा आएगा भारतीय राजस्व से आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन भारत से ही दिए जाएंगे, और भारत में कहां से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। एक काम यह होता है इसमें 1793 के राजलेख अधिनियम से। उसके बाद जो आखिरी काम होता है 21 अप्रैल 1793 को ICS की स्थापना होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ICS क्या है, तो यह है इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब भारतीय, ठीक, भारतीय पब्लिक सेवा, क्या कहेंगे, भारतीय सिविल यानी कि नागरिक, और सर्विस मतलब सेवा, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की जाती है। तो देखिए इसीलिए 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको, 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना भी होती है। राजस्व बोर्ड या राजस्व पुलिस की स्थापना होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और इसके जो जनक माना जाता है, भारतीय नागरिक सेवा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कार्निवलिस को माना जाता है। किसको, जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कार्निवलिस को। ठीक, तो देखिए यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम था, ठीक, राजलेख जो अधिनियम था,
उसमें क्या क्या काम होता है। पहला काम होता है कि जो कंपनी का व्यापार है उसे 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक। जैसा कि हमने कहा कि 20 वर्ष बाद उसको रिन्यूअल करवाना है, तो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़वा दिया गया, एक काम ये हुआ। दूसरा काम होता है कि जो यहां कंपनी के अधिकारी काम कर रहे हैं उनका जो वेतन है, अभी तक तो इंग्लैंड से वेतन आता था उनका, लेकिन अब उनका वेतन भारत से ही दिया जाएगा। और भारत से कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक। तीसरा काम जो होता है वो होता है 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को आईसीएस की स्थापना होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना होती है। इसीलिए 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। होता क्या है कि इसका जनक जो माना जाता है आईसीएस यानी कि भारतीय सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक। तो ये इतना काम जो होता है, ये इतना काम हमारा 1793 के चार्टर लेख अधिनियम से होता है। हमने बताया है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ठीक। तो अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद जो अगला आता है 1793 में। अगर हम 20 जोड़ दें भाई, 20 वर्ष का एक अधिकार मिला है तो 20 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 1793 के बाद क्या आ जाएगा आपका 1813। तो 1813 का राजलेख अधिनियम क्या है, देखिए तो जो 1813 का राजलेख अधिनियम था इसमें क्या क्या होता है। 1813 में ही भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, सबसे पहला काम जो होता है 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। पहला काम तो होता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। दूसरा काम होता है कि देखिए भारत में भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है शिक्षा के विकास के लिए दिया जाएगा। कब से 1813 का जो राजलेख अधिनियम आया उसमें यह लिखकर आया था, क्या लिखकर आया था कि 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष, ठीक, 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष, इसका मतलब समझ लीजिएगा, पट्टे लगाया हूं, इसका मतलब है प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है भारतीय शिक्षा के विकास के लिए दिए जाएंगे, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए दिए जाएंगे। ठीक, पहला काम क्या होता है कि 1813 में तो ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। दूसरा काम होता है कि 1,00,000 रुपए भारतीय शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा काम होता है कि कुछ व्यापार को छोड़ करके कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे वापस ले लिया गया। तो वो कौन सा था, कुछ अधिकारों को छोड़कर, मतलब केवल दो, जिसमें आपका चाय व्यापार था, चाय का व्यापार, और दूसरा था चीन से व्यापार। ये दो चीज छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को
व्यापारिक एकाधिकार को वापस ले लिया गया। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है। हमने क्या देखा कि पहला काम तो 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है भारत में। ठीक, पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है कि जो हमारे यहां के लोग थे भारतीय लोग, उनके शिक्षा का विकास करने के लिए 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तीसरा काम यहां पे होता है कि जो कंपनी के कुछ एकाधिकार थे, व्यापारी के एकाधिकार, दो को छोड़कर समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इस दो चीज को छोड़ करके बाकी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यह इतना काम होता है 1813 के राजलेख अधिनियम में। इसके बाद अब इसमें अगर 1813 में आप 20 जोड़ेंगे तो 1833 हो जाएगा। मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम, तो देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है कि पहली चीज तो कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाता है। ठीक, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाता है। दूसरी चीज, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले जो था रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर बनकर आता है। उसके बाद भारत के गवर्नर को, भारत गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर बनकर आता है रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 के एक्ट में, जिसमें आपको जो बंगाल का, बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत बंगाल, कलकत्ता और बंबई प्रेसिडेंसी तीनों को मिला दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था या बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, ये चीज हम लोग कल देखेंगे और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। तो कल हमारा जो चार्टर अधिनियम रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।